कुंडली भाग्य पावर बाय पैराशूट एलोवेरा। रोबोट ये तो नकली है क्या? ए, तो सच बता, असली हीरा किधर है? ए, बैग दिखा, निकल। एक 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 मिनट, ये लो। ये है असली हीरा। विक्रम देख। सब लोग फॉलो करो उसको, जल्दी जाओ। अरे तू भी तो जाओ, उसके पीछे भाग जाएगा। जी दादी। ए, ये सब भाग जाएगा, पकड़ो ये। नहीं चल, पकड़ना पड़ेगा उसे। आराम से। करीना जी, मुझे लगता है कि हमें ना कुछ लाना पड़ेगा और ताकि हम इन पर हमला बोल सके। हाँ, चलिए। हेलो, पुलिस स्टेशन, आप प्लीज लूथरा हाउस आ जाएगी इसी वक्त। मैम, पीएम साहब आने वाले हैं। पीएमआई या एएमआई, सब कुछ छोड़ के आप फटाफट इधर आइए, बहुत बड़ी इमरजेंसी है। मैम, मेरी जॉब चली जाएगी। अगर आप यहाँ नहीं आना, जॉब तो आपकी तब भी चली जाएगी, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे डाल दूंगी कि हमने आपको इतनी इमरजेंसी सिचुएशन में बुलाया, लेकिन आपने अपनी ड्यूटी करने से मना कर दिया और सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि मासूम लोगों की जानें चली गई क्योंकि आप लापरवाह थे। हमारे पीएम को हमने बहुत कीमती वोट दिए हैं, जब उन्हें पता चलेगा ना कि उनके वोटर्स की रक्षा करने से आपने मना कर दिया, तो वो खुद आपकी वर्दी उतरवा देंगे। ठीक है मैम, आ रहा हूँ मैं। थैंक यू। कोई नहीं आगे, किसी ने मेरे तरफ बढ़ने की कोशिश की ना, काट दूंगा गला इसका। चल बिजट, समीर पीछे। बिजट, इधर दे, बिजट हो, बिजट, बिजट। कोई हिलेगा नहीं। चुपचाप बैठेंगे। ये हीरा मेरा है। रॉबर्ट जी, ये तो बहुत गलत काम है। हीरा चुराना बहुत गलत काम होता है, ऐसे तो आपके पापों का घड़ा बहुत जल्दी भर जाएगा। राखी जी, बस कीजिए, शांत हो जाइए। आप किसे समझा रही हैं? अरे वो लोग प्रोफेशनल हैं, उनका रोज का काम है। मत समझे, आप कीजिए जी, अपना काम कीजिए। तुम सब लोग एक लाइन में खड़े हो जाओ, और किसी ने चलाकी की ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लाइन में खड़े हो जाओ सब के सब। देखिए, मुझे आप लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, समर की दादी ने हमारी बहुत मदद की है, वरना हो सकता था हम गलती कर देते, लेकिन ऑल क्रेडिट गोज टू दादी। ए यार, कितनी बार बोला मैंने कि नहीं है कोई दादी मेरी। ओए बेटा जी, जरा इनको बोलो ना गन हटाए, मैं अपने इस इकलौते पोते की अकल ठिकाने लगा दूं। अरे दादी, ये नहीं हो सकता। अरे हमारा भी कोई रुतबा है, दबदबा है, अरे हम गुंडे हैं, डॉन है, हम ये नहीं कर सकते। ये बेटा, मैं सब समझती हूँ, लेकिन मैं अपने इस पोते की अकल तो ठिकाने लगा दूं। अरे हटो, नहीं ये मुंह तेरा, मैं तेरी दादी नहीं हूँ। नहीं हो, है? मैं तेरी दादी। ठीक है, तुम हो दादी, ओके दादी हो, अभी जाओ यार बस। अरे इस बार क्यों मारा? अरे बच्चों की बात इतनी जल्दी मान लो तो बच्चे बिगड़ जाते, आई बात समझ में? अरे जाओ यार। ए बुढ़िया, चल अपने नाटक बंद कर और पीछे चल, पीछे। रॉबर्ट, अपने को अपना हीरा मिल चुका है, अब बता इनका करना क्या है। बिल्कुल सही बोला, डायमंड अब मेरे कब्जे में है और मुझे इन लोगों की जरूरत नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम जरूर है, इन सब लोगों ने हमारा चेहरा देख लिया है और हमारे लिए खतरा हो सकता है। नहीं बोलो तो रॉबर्ट, इनको उड़ा दें सबको।
रॉबर्ट बोल तो मार देते सब। हाँ मार दो सबको। अब बता कौन किसको मारेगा? आपको समझ में नहीं आता है? गन है मेरे पास, अपनी गन नीचे करिए, मैं उड़ा दूंगी। वाह प्रीता बड़ा, थोड़ा तो जवाब ही नहीं आया। ए चोर कंपनी, बदतमीज लोग, तुम्हें क्या लगा था? सीधा साधा परिवार है, इनोसेंट लोग हैं, तो जाके इनके भगवान के सर से डायमंड उड़ा लो। ये हीरा या तो उसके सच्चे मालिक के पास जाएगा या फिर पुलिस के पास। क्या सॉरी, तुमसे गन नहीं समझी जाती? गलती से चल गया। बहुत गलती से चल गया, किसी को लग जाता तो। हाँ सब लोग किस सामने क्यों कर रहा? ठीक, तुमसे बाद में बात करूंगा। चल इधर दे। जब तक ये हीरा हमारे पास है हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। Right, guys? राखी आंटी, अब मुझे पता चला जब आपके हाथ में पिछली बार गन थी तो आपको इतना अच्छा क्यों लग रहा था? Actually, बहुत confidence आता है ना पुत्र? मैंने सच कहा था प्रीता, एक बार ये गन मुझे दे दे, मैं हवा में गोली फायर करूंगी, बड़ा मजा आएगा। भाभी, भाभी रहने दो ना। तो क्या हुआ प्रीता? कम ऑन, एक बार। इनको मत देना प्रीता, मत देना। भाभी राखी क्या कर रही है? अरे मॉम को समझा यार। अरे कुछ नहीं होगा, हिलना मत। मॉम चलेगी, मैं गोली चला दूंगी। मॉम इट्स अ रियल, हिलना मत। मॉम गोली नहीं। आएगी अभी। बंदूक खाली है। वाह वाह राखी जी, इस खुशखबरी के लिए आई लव यू। तमीज से, बदतमीज कहीं का? ए चिल्लो हीरो से। रिशा, मैं क्या कह रहा हूँ, ये हीरा ना हमें मिलना चाहिए। हाँ, वो कर रहा हूँ। हमें सोच, ये हीरा बेचेंगे तो तेरे बच्चे, मेरे बच्चे, बच्चों के बच्चे घर बैठे खाएंगे यार। हमें 100 करोड़ तो कहीं नहीं गए, और 100 करोड़ अगर हमने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी तो 5 साल में 5,000 करोड़, और 10 साल में 10,000 करोड़। ये हीरा तो हमें मिलना चाहिए। देख पकड़, पकड़, पकड़। तुझे क्या लगता है ये जो अपनी जान पे खेल कितनी मशक्कत कर रहा है वो किस लिए कर रहा है? इसके लिए तो कर रहा है। ए हीरा मुझे दे। कभी नहीं, पागल समझा क्या? अरे भाई उठ।
इंस्पेक्टर थैंक यू सो मच, आप बिल्कुल सही वक्त पर आ गए यहाँ पर और सबको बचा लिया। वो तो प्रीता ने मुझे फोन किया था, मेरा आना जरा मुश्किल था, लेकिन इन्होंने धमकी दी कि मैं अगर नहीं आऊंगा तो मेरी वर्दी उतर जाएगी। और अच्छा हुआ माफिया गैंग के कुछ शातिर चोर हमारे हाथ लग गए, जिनकी हमें काफी दिनों से तलाश थी। थैंक यू प्रीता जी। जय हिंद सर। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। मोनिशा बेटा चलो हम गेस्ट रूम चलते हैं, तुम्हारे बाल भी तो ठीक करने हैं, तब तक पंडित जी गणपति बापा को फिर से सजा देंगे। चल। तेरी बाल तो बड़ी अच्छी है। थैंक यू आंटी जी। I'm sorry बेटा, वो तो मैं इस तरफ के बाल सेट करने की कोशिश कर रही थी। It's okay आंटी जी। लगी तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं। Sorry बेटा, really sorry। मैं क्यों इस लड़की से सॉरी बोल रही हूँ? हजार सॉरी तो इसे मुझसे बोलने चाहिए, मेरे बेटों पर झूठा इल्जाम लगाने के लिए। और वैसे भी अभी रोका हुआ नहीं है, अभी भी वक्त है, इसे रोकने की एक फाइनल कोशिश तो कर ही सकती हूँ। राखी कोई ऐसी तिकड़म सोच ले कि ये बात शादी के रस्मों तक पहुँचे ही नहीं, क्या पता आज ये बेईमान लड़की रोका छोड़कर ही भाग जाए। लेकिन कौन सी तिकड़म, मुझे तो आदत ही नहीं ना कहानी बनाने की। हाँ मेरे पास तो रेडीमेड कहानी है, मैंने मूवीज जो देखी है। मोनिशा तुम ना मुझे अपने दुश्मन पड़ोसी की माँ समझ लो, ओके? पर ऐसा क्यों आंटी जी? ओफो, मुझसे भी कितनी बड़ी भूल हो गई। नहीं नहीं मुझे माँ मत समझना, क्योंकि तुम्हारी माँ और मेरी तो कभी जमेगी ही नहीं ना आपस में। आंटी जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? पुत्र ये जो समधने होती है ना, उनकी आपस में कभी नहीं बनती। हाँ आमने सामने जब होते हैं तब एक दूसरे की तारीफ करते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स होने का ड्रामा करती हैं, लेकिन पीठ पीछे एक दूसरे को ताना मारती है, चुगली करती है एक दूसरे की। ये तो समधनों का जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन मैं ठहरी राखी लुथरा, और मैं तो हमेशा सच्ची और पक्की बात कहती हूँ। और आज मेरे दिल से मेरे दिमाग से एक बहुत ही सच्ची और अच्छी बात निकल रही है। बताओ कौन सी बात? बेटा मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मेरा करण बहुत लकी है जो उसे तुझ जैसी बीवी मिल रही है। तुम जैसी दीवानी, तुम जैसी प्यार करने वाली लड़की कहाँ मिलती। ऐसी बात नहीं है कि मेरे करण को लड़कियों की कमी है, लेकिन तुम उन सब से निराली हो, प्यार की अनलिमिटेड थाली हो। तुम करण से सच्चा प्यार करती हो, इसलिए तो इस पागल परिवार में शादी करने के लिए तैयार हो गई तुम। राइट आंटी जी, थैंक यू। पुत्र जब से तूने शादी के लिए हाँ की है ना, तब से मेरी सारी चिंता दूर हो गई, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि शादी के बाद करण सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा बन के रहेगा। वरना तुम तो जानती ही हो कॉलेज के जमाने से लेकर करण को फ्लर्ट नंबर वन का टाइटल मिला हुआ है। वो एक साथ एक नहीं 20-20 लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता था, और सबसे बड़ी खासियत की बात तो ये है कि लड़की नंबर वन को ये पता नहीं होता था कि इस लाइन में 19 लड़कियां और हैं। मेरा करण बड़ा ही टैलेंटेड पुत्र है। अब आपका बेटा है, आप जैसे खूबसूरत तो होगा ही ना। थैंक यू। लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम उन सारी लड़कियों से ज्यादा क्रेजी हो मेरे करण के लिए, और मेरा करण वो भी तुमसे बहुत प्यार करता है। आंटी जी बस थैंक यू सो मच, आप इतना प्यार दे रही हैं, मेरी तो आंखें ही भर आई हैं। पगली कहीं की, मुझे थैंक यू कह रही है तुम? नहीं बेटा थैंक यू तो मुझे तुमसे कहना चाहिए, क्योंकि तुम राजी जो हो गई करण के साथ शादी करने के लिए। देखो मोनिशा, मैं तुम्हारी होने वाली सास तो हूँ ही, लेकिन साथ साथ तुम्हारी अच्छी सहेली भी हूँ,
ओके तो फ्रेंडशिप में नो सॉरी नो थैंक यू, इसलिए तो मैं तुम्हारे लिए टॉप क्वालिटी का कॉटन लेके आई हूँ। फ्रेंडशिप में कॉटन क्यों, तुम्हें नहीं पता? ओफो, मैं भी कैसी झल्ली हूँ, तुम तो नहीं नहीं आई हो ना, तुम्हें कैसे पता होगा? मनीषा, दरअसल मैं कॉटन इसलिए लाई हूँ क्योंकि मेरा करण पुत्र रात को जोरदार खर्राटे मारता है। करण, बिल्कुल हाई पिच रिकॉर्डिंग वॉल्यूम है मेरे पुत्र का। जब वो खर्राटे मारता है तो मम्मी जी तो ये भी कहती है कि ये कोई बाइक के शोरूम से कम वाला बेडरूम नहीं है आवाजों के कारण। हाँ, इसलिए मैं तेरे लिए कॉटन ले आई। लेकिन बेटा, मैं जानती हूँ जहाँ सच्चा प्यार होता है ना, वहाँ ये खर्राटे भी सुरीले संगीत जैसे हो जाते हैं। मनीषा, अब जब हम दोनों में फ्रेंडशिप हो ही गई है तो तुम्हें एक और राज की बात बताऊं? अभी और राज खुलना बाकी है। हाँ बेटा जी, बस एक ही राज और है। जब मेरा करण छोटा था ना, तब मैं उसकी जन्म कुंडली एक बहुत बड़े विद्वान पंडित के पास ले गई थी और उस पंडित ने मुझसे कहा था कि बहन जी, आप जब भी करण की शादी करवाओ तो ऐसी लड़की से कराना जो उससे बे इंतहा मोहब्बत करे, वरना वरना क्या? हाय, बोलते हुए भी मेरे हाथ कांप रहे हैं। वरना क्या है आंटी जी, बताइए तो। वरना करण अपने हाथों से उस लड़की को मार डालेगा, क्योंकि करण के हाथों के लकीरों में उस लड़की की मौत लिखी हुई है। हाँ, अच्छी बात तो यह है कि वो लड़की तो मरेगी ही मरेगी, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, साफ बच के निकल जाएगा मेरा पुत्र, क्योंकि उसके जो ग्रह नक्षत्र है ना, वो बड़े ही स्ट्रॉन्ग है, करण को कुछ नहीं होगा। अच्छा है, वो लड़की मर जाएगी तो चलेगा, लेकिन मेरा करण पुत्र तो बच जाएगा, कम से कम उसे कुछ नहीं होना चाहिए, है ना जी? और मैं तो इतना प्यार करती हूँ करण से, मुझे थोड़ी ना कुछ होगा। बिल्कुल पुत्र, कुछ नहीं होगा, तुम्हें तो कुछ हो ही नहीं सकता, तुम मेरे करण से इतना प्यार जो करती हो, है ना? Absolutely right. मेरा काम हो गया, अब लड़की के दिल में असली डर बैठ गया है। तो मेरा काम हो गया। कौन सा काम? बाल सेट करने का काम। अब बाल अच्छे से सेट हो गए, बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू आंटी जी। वेलकम बेटा। अगर मेरी शादी करण से होगी तो इट मीन्स वो मेरी जान ले लेगा। हाँ बोलो। पृथ्वी सुनो, जल्दी से लूथराज के गेस्ट रूम में आओ, जल्दी प्लीज। अरे पर आप स्माइल क्यों दे रहे हैं? मम्मा तो यहाँ है नहीं आसपास, तो जैसे है वैसे ही बने रहिए ना। पर आप तो हो मेरी प्यारी सी सिस्टर इन लॉ, अब भी तो मेरी क्यूट स्माइल देखना डिजर्व करती हो ना, है ना? क्यूट स्माइल देखना डिजर्व करती हूँ। बच्ची, अपनी नफरत छुपाना जरूरी नहीं समझती। सृष्टि, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है, बदन दर्द कर रहा है, एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन है। तो एक काम कर, डॉक्टर शाह के साथ ना मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स कर दे कल का, बहुत हालत खराब है। सृष्टि और ऋषभ भैया दूसरे को देखकर इतना स्माइल क्यों दे रहे? हेलो, कहाँ देख रहा है बेटा? अपॉइंटमेंट फिक्स करने की, कहाँ देख रहा तू? कहीं नहीं, वो हो जाएगा ना। क्या यस है बेटा, कुछ काम है, आना। आई जस्ट कम। ओके, मैं क्या बोल रहा था, इसे क्या हो गया? ओफो,
यहाँ पे भी नहीं है। करण तू तो कितना लापरवाह है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज भला कोई कहीं रख के भूल जाता है क्या? मॉम मुझे नहीं याद तो मैं क्या करूँ? लेकिन मैंने सब जगह देख लिया, कहीं नहीं मिल रही। मतलब तुम्हारा हाथ रीता, अच्छा हुआ तू आ गई बेटा। एक काम कर, मेरे कमरे में जा और फर्स्ट एड बॉक्स लेके आ। वो करण को चोट लगी है ना तो एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट लगानी है। ओ, बट फर्स्ट एड बॉक्स मुझे पता है यहाँ कहाँ रखा हुआ। कहाँ? एक सेकंड। तेरे कमरे में चीज कहाँ पड़ी है मुझे नहीं पता, रीता को पता है। चलो अच्छा है, ये लीजिए।